नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 5 मिनट में मजेदार रोस्टेड चिकन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। तो आप ये मेरी रेसिपी एंड तक देखिए और मजेदार रोस्टेड चिकन का मजा लीजिए। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन, रोस्टेड चिकन, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने 5 पीस होल लेग के लिए हैं। इसको बढ़िया तरीके से हर पीस पे कट लगवा लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही के डालेंगे। इसके बाद हम लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है मेरे पास, वो मैं 2 चम्मच डालूंगी। ये हम इसका मैरिनेशन कर रहे हैं। बाकी जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच MDH का मीट मसाला, 1 चम्मच लाल देगी मिर्च, साथ ही हमने 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ली है जिसे हम बढ़िया तरीके से क्रश कर रहे हैं, और 1 नींबू का जूस लेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स बढ़िया तरीके से मिला दिए हैं। अब हम इसके सेंटर में कटोरी रखेंगे। कटोरी रखने की ये वजह है कि अगर हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं तो इसका फ्लेवर भी तो तंदूरी होना चाहिए। मैंने गैस पर एक कोयला गरम होने के लिए रख दिया है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस पे एक कोयला गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इस कोयले को जैसे ही लाल होता है उस कटोरी में डाल देंगे। देखिए हमारा कोयला लाल हो गया है, अब हम इसे कटोरी में रख रहे हैं और इसके ऊपर हम फटाफट थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे और इसको मैरिनेशन को ढक देंगे ताकि ये जो कोयले का फ्लेवर है वो बढ़िया तरीके से चिकन के अंदर आ जाए और हमारा तंदूरी चिकन तंदूर में ना बन के कढ़ाई में बने और किसी को पता भी ना चले। अब इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम बढ़िया तंदूरी चिकन बनाते हैं। दोस्तों, मैंने कढ़ाई को गैस पे गरम होने रख दिया है और अब हम इसमें चिकन डालते हैं और फटाफट कढ़ाई में बनाते हैं तंदूरी चिकन। मैंने कढ़ाई में चिकन डाल दिया है और ये देखिए सारे चिकन बढ़िया तरीके से डाल दिए हैं और चिकन बढ़िया तरीके से मैरिनेट भी हो गया है। 5 से 6 घंटे के बीच में हो गए हैं चिकन मैरिनेट किए हुए। अब हम इस चिकन में जो मैरिनेट किया हुआ था इसमें सिर्फ 1/2 टिक्की हम अमूल बटर की डालेंगे और उसके बाद इस चिकन को 15 से 20 मिनट तक मैरिनेशन के जूसेस में ही पकने देंगे। देखिए चिकन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब इसे चेक करते हैं। अभी इससे 10 से 15 मिनट और लगेंगे रोस्टेड चिकन को बनने में। अब हम इसमें 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। पहला इंग्रेडिएंट तो हम डालेंगे 2 चम्मच अमूल क्रीम और दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमारा मिक्स्ड हर्ब जिसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल हैं, ये भी 1 चम्मच डालेंगे। इन दोनों चीज़ों से हमारा तंदूरी चिकन बहुत बढ़िया क्रीमी बनेगा, मॉइस्ट बनेगा। अब इसे फिर हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक देते हैं और इंतज़ार करते हैं बढ़िया तंदूरी चिकन बनने का। देखिए हमारा रोस्टेड चिकन बढ़िया तरीके से बन गया है। आप सोच रहे होंगे ये तो ग्रेवी वाला चिकन है, पर इस
रोस्टेड चिकन बनाने का तरीका ये है कि इसे आप 2-4-5 घंटे पहले जब मर्जी चाहे आप इसे ऐसे बना के रख लीजिए। जब आपने सर्व करना है तो उसका मैं तरीका आपको बताती हूँ कि आपने इसको रोस्टेड वे में कैसे सर्व करना है। इससे क्या होगा, जो हमारे जो मसाले के जूसेस हैं वो चिकन के अंदर ही रहेंगे, चिकन ड्राई नहीं रहेगा। तो आइए हम अपना लास्ट स्टेप लेते हैं कि अब हम इसे रोस्टेड कैसे बनाएंगे। तो रोस्टेड चिकन बनाने के लिए हम लास्ट स्टेप करते हैं। मैंने एक पैन में मक्खन गर्म कर लिया है। अब हमने जो चिकन प्रिपेयर किया हुआ था उसे हम इस पैन में डालेंगे। साथ ही थोड़े से जूसेस भी डालेंगे। और अब हम इसे इस मक्खन में पकाएंगे। तो 5 मिनट में हमारा बढ़िया गर्मा गर्म रोस्टेड चिकन बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा बढ़िया रोस्टेड चिकन बनके तैयार है। आइए इसे सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा बढ़िया रोस्टेड चिकन 5 मिनट में बनके तैयार है और क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है। आइए गर्मा गर्म रोस्टेड चिकन का मज़ा लें।